कुकिंग की क्लास, बस यही देखना बाकी था। क्या सोचा था मैंने, जापान जाके जॉब करूंगी, पर यहाँ पे कल से लोगों के लिए मुझे रोटियां सेकनी पड़ेंगी, सब्जी करनी पड़ेगी, संस्कारी बहू बनना पड़ेगा भाभी जैसे। क्या सोचा था, क्या पाया जिंदगी में, यही दिन देखना बाकी था। अभी कल से लेंगे सारे मेरे कुकिंग की क्लास, उसमें कुछ नहीं आने वाला मुझे, सब पता है, सब अभी से जानती हूँ मैं, बहुत डांट खाने वाली हूँ। मम्मी, चोरों के जैसे क्या घुस रहे हो अभिजीत? मेरा ही कमरे। हाँ, सब तुम्हारा ही है, यह घर तुम्हारा, रूम तुम्हारा, बेड तुम्हारा, सब तुम्हारा। तुम्हारी मम्मी कितनी डांटी मुझे, इतना कोई डांटता है? मेरा पहला ही दिन था ना, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है बाहर जाने की, कहीं पे घूमने की, ये घर मुझे अपना लगता ही नहीं है। बोलेगी, अब तुम रोटी करते वक्त जापान के नक्शे बनाओगी तो तुम्हारी आरती उतारेंगे। नहीं आता यार मुझे खाना बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लड़कियों को नहीं आता तो ऐसे डांटना होता है, समझा अभी तो सकती थी वो मुझे, पर नहीं, उन्होंने मुझे डांटा। तो सीखा क्यों नहीं? मेरे पास नहीं होता था इतना समय, 6 साल जापान में मैंने दिन रात मेहनत करके डिग्री पाई है, तुम क्या जानो, यहाँ पढ़े पढ़े। देखो अब 2 महीने है तुम्हारे पास, कुछ ना सही पर इन 2 महीनों में खाना बनाना सीखो, मेरी माँ को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, क्योंकि जब 2 महीने हो जाएंगे हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद जब तुम्हारी असली शादी होगी तब तुम्हारे पति को तुम अच्छा अच्छा खाना बना के खिला सकोगी। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं सीधा शेफ से शादी करूंगी, वो मुझे बना के खिलाएगा, मैं क्यों बनाऊं किसी के लिए, मैं नहीं बनाऊंगी किसी के लिए। यही वजह तुम खाना नहीं सीख पाई आज तक। बोलो, तुम भी बोलो, सब मुझे ही बोलो, मेरी ही गलती है पता नहीं क्या। ये लो। रहने तो मुझे नहीं चाहिए वो। अच्छा है यार। तुम अच्छे हो? नहीं तो ये किस एंगल से अच्छा होगा, नहीं है वो अच्छा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कुकिंग क्लास। सारा लक बर्बाद हो गया है मेरा, बेस्ट ऑफ लक। शीला उठ गई क्या? शीला जल्दी करो, माँ बुला रही है तुमको। पता है मुझे, जोर से मत चिल्लाओ अभिजीत, तुम्हारा आवाज सुनती हूँ ना मैं, चुपता है मेरे कानों में तुम्हारा आवाज। शक्ल तो अच्छी है ही नहीं तुम्हारी, आवाज तो उससे भी बदतर है। रुको। ओ नो अभिजीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की आई? I just kill you अभिजीत। शीला। अभी तो मैं शादी को 2 ही दिन हुए हैं, तुम बदतमीजी पे उतर आए। I don't expect this from you अभिजीत। शीला। आहर तुम्हारा जेंटलमैन बनते हो, 4 दीवारों के अंदर असली रंग दिखा रहे हो तुम मुझे। शीला शांत हो जाओ यार। क्या शांत बैठू, मैं शांत नहीं बैठने वाली अभिजीत, तुम मेरे हाथ छोड़ो, मैं बहुत चिल्लाऊंगी, सबको बता दूंगी, तुम बदतमीजी कर। चुप। मैंने कुछ नोटिस किया है। क्या नोटिस किया? तुम में कुछ कमी है। क्या तुम मुझ में कमियां देखते हो अभिषेक? How cheap you are? तुम खुद कितने बड़ी कमी हो ये देखो, पूरे घर की कमी तुम हो, समझ गए? मुझ में कोई कमी है? मैं मम्मी को बताऊंगी तुम्हारे बारे में, मेरे घर में मुझे आज तक कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा मुझ में कोई कमी है। नहीं 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 शीला, तुम्हारे ऊपर कुछ कम है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो तुमने पहना है उसमें कुछ कम है। ये कम है? ये कम है? मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाथों में चूड़ी, ये सारी, परेशान होगी हूँ मैं, हाथ लगाती हूँ तो लाल लाल निकलता है सिंदूर, गले में कहाँ है मंगलसूत्र? कहाँ है? निकाल के रखा था, चुभ रहा था बहुत। अगर माँ ने तुम्हें ऐसा देख लिया ना तो धरती नहीं आसमान फट जाएगा और उसमें हम दोनों चले जाएंगे। पहनती हो? थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नहीं मैं क्यों बोलूँ तुमको थैंक यू, ऐसा कौन सा महान काम किया है तुमने, मैं तो पहनने ही वाली थी बस, ऐसे जाके ऐसे मुड़ने ही वाली थी, तभी तुमने खींच लिया। मौके ढूंढते रहते हो बस। मंगलसूत्र कहाँ है मेरा? नौटंकी। आज शीला की ऐसे क्लास लूंगे, मास्टर शेफ बन जाएंगे। बीबी कहाँ है तेरे?
माँ वो शीला बस आ ही रही है, तैयारी कर रही है। तुझको भेज दिया आके चमचागिरी करने के लिए? क्या कुकिंग के क्लास के लिए तुम एक्साइटेड हो? हाँ। जोर से। हाँ। और जोर से। हाँ। क्यों बोलो? अंदर आग नहीं तुम्हारे? हाँ। किसी के चिल्लाने की आवाज आई ना? हाँ, बहुत जानी पहचानी आवाज थी। मुझे ऐसे लग रहा है आज मेरी बेटी के यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खरच, ससु माँ बहुत ड्रामा करती हूँ। तेरे आगे मैं फीकी हूँ, टट के बजा औरत। करूँ क्या? करूँ? यही चाहिए मुझे। चलो किचन में चलते हैं। चलो। तू कहाँ आ रहा है हमारे साथ? तुझे भी सीखना है कुकिंग का क्लास? देखता हूँ ना मैं भी। कोई जरूरत नहीं है देखने की, चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहा है। शीला चलो मेरे साथ आ जाओ। क्या है यार? क्या? किचन आता है कुछ किचन में? या सिर्फ खाने का जानती हो? वो दरअसल बात ये है। पता है मुझे, तुमको बस खाने को आता है, बनाने को नहीं। इसलिए तो आज से मैं तुम्हारी कुकिंग की क्लास ले रही हूँ। कुकिंग क्लास। क्या क्या होगा किचन में? सब कुछ, इत्तू से लेके इत्तू सा सब सिखाऊंगी मैं। अच्छा, अभी शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे जरूरी किचन में क्या होता है? क्या? दुक्का। यह भी नहीं पता? किचन में सबसे जरूरी गैस, गैस चलाना होता है। दिमाग, सबसे जरूरी होता है दिमाग, और जो तुम्हारे पास नहीं है। किचन के मामले में बोल रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता तुम कितनी होशियार हो कितनी नहीं, पर किचन के मामले में तुम्हारे पास अभी बिल्कुल दिमाग नहीं है। मैं दूंगी तुम्हें मेरा दिमाग। What? मेरा मतलब मेरे दिमाग में जो है वो। जब तुम किचन में आती हो तब क्या करती हो? कुछ आएगा तो कुछ करूंगी ना, कुछ नहीं आता मुझे। मेरा कहने का अर्थ यह है, जब हम किचन में आते हैं तो इधर उधर देखते हैं ना, क्या बनाए क्या नहीं, क्या हमारे पास चीजें अवेलेबल है, वो दिमाग चलता है कि नहीं? हाँ। वही तो जरूरी होता है। अभी मुझे रोटी करनी है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी? गेहूं का आटा। वैसे ही दिमाग सबसे जरूरी है, तो अभी मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ, रोटियों से ही शुरू करते हैं। ठीक है, गेहूं का आटा लो। कहाँ है? ढूंढती हूँ। यहीं पे रख। हाँ मिल गया। अभी आटे को छान लेते। चलो कम से कम यह तो पता है कि उसको छानना भी होता है। मम्मी ने बताया था कल। कि? कुछ नहीं, वो मम्मी ने सिखाया था। अभी मैं डालती हूँ इसमें पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, एकदम से पानी नहीं डालते। हाँ। ओ शिट, थोड़ा सा ऑयल भी डालना होता है, उससे स्वाद बढ़ता है। दुग्गा, दिए में तेल डालना भूल गए, तेल डाल के आते हो। ठीक है, इस बार पानी बराबर गिरा है। लगता है काफी जोरों से चल रही है तुम्हारी रसोई। बुरा ना मानो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी हेल्प की, समझ गए? भाड़े आए हेल्प करने के लिए, तुम खुद की हेल्प करो पहले। मेरी हेल्प करने आए? और वैसे भी अभिजीत, क्या जानते हो तुम कुकिंग के बारे में? कुकिंग का ए भी पता है तुम्हें? तुमको तो ए टू जेड आता है। हो गया। नमक भी डालना होता है उसमें। पता है मुझे नमक डालना होता है, आखिर में डालते हैं नमक, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हाँ, नमक। चीनी है वो मैडम। नमक कहाँ गया? ये रहा नमक। इतना बड़ा आदमी खड़ा है, कैसे दिखेगा नमक? अभिजीत, क्या बोला था मैंने? माम, मैं वो पानी पीने आया था। पानी अभी बेलती हूँ मैं रोटी। गुंदिया।
क्या कर छा? मैं वो रोटियां बेल रही थी, आटा गुन के हो गया। दिमाग ही नहीं है इस लड़के में। अरे रोटी का आटा गुना है तो उसको 10-15 मिनट भिगोने तो देती है। तुम्हारा तो ऐसा है, आज शादी कल बच्चा। रखो वो, फिर से एक बार आटे को अच्छे से गुनो। 10-15 मिनट उसको वहीं पर रखने दो, हाथ नहीं लगाओगे बिल्कुल तुम। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी टच भी नहीं करूंगी जब तक आप नहीं कहोगे। अभी सब्जी को कुछ करते हैं। मुझे यह बताओ, सब्जी में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है? सब्जी में सब्जी के बिना तो सब्जी नहीं बनेगी। वो देख वहां पे टमाटर है, अभी एक काम कर, ये रोटी हो जाने के बाद रोटी के साथ टमाटर खा। खाएगी क्या? नहीं। हाँ, सब्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जी में पड़ने वाले मसाले। अच्छा, और हमारे देश में मसालों की तो बात है, मसालों के बिना कोई सब्जी होती ही नहीं। सबसे फेमस मसाले है हमारे देश में, तो सब्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मसाला। अभी मसाले एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी देख, मुझे करनी है कोई पंजाबी डिश, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? पनीर मसाला, पनीर मटर मसाला। रेडीमेड मसाले की बात नहीं कर रही मैं, होममेड मसाले। ध्यान से सीखो, मसाला बनता है सब्जियों से ही। जैसे कि मुझे अभी पनीर की सब्जी करनी है, पर उसके लिए मुझे ग्रेवी का मसाला नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, टमाटर एक प्याज उबाल लूंगी, उबाल के उसका मिक्सी में प्यूरी कर दूंगी, हो गया वो मसाले का ग्रेवी। अच्छा, सब्जियों से ही मसाले बनते हैं, ये जो ड्राई मसाले होते हैं वो अलग। तुमको मैं सबसे बेसिक मसाला बताती हूँ, सबसे बेसिक जो सब सब्जियों में तुम डाल सकती हो, हरी मिर्च, अदरक, मूंगफली, लहसुन, इस सब को मिक्स में पीस लो, ये हो गया तुम्हारा हरी मिर्च मसाला। ये सब सब्जियों में चलेगा, बस उतना डालोगे तुम, किसी भी सब्जी में स्वाद आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा बेसिक मसाला। अगर तुम्हें टमाटर की सब्जी करनी है, आलू की सब्जी करनी है, सबसे पहले तेल लोगी, उसमें यह मसाले को 5-10 मिनट तक भून लोगी। जब यह भून जाएगा उसके बाद तुम अपना चीजें डालना जो सब्जी तुम्हें डालनी है। ओके। अभी आटा हो गया होगा शायद, देखो। हाँ हो गया है। रोटियां बेलो बेलो बेलो। एक ही जगह पे प्रेशर क्यों दे रही हो? वो मुझे बताया नहीं किसी ने। सब जगह पे प्रेशर पड़ना चाहिए तभी रोटी गोल गोल बनेगी। ये देखो, अभी मैं कैसे करती हूँ देख। ये मैंने रोटी ले ली, एकदम बीच में प्रेशर नहीं देने का, साइड साइड जो होती है उसको भी दबा लेने का, उससे क्या हो जाता है, रोटी गोल बन जाती है। अच्छा, ये देख। हाँ, चलो पहले दिन के हिसाब से अच्छा किया है तुमने, अभी कल और एडवांस करेंगे। शीला मम्मी, इधर नहीं है तुम्हारी मम्मी? लड़की है। नहीं आती मम्मी मुझे कुकिंग, आपने नहीं सिखाई मैं क्या करूं, फिर भी ये लोग मुझे कुकिंग करवाने के लिए जबरदस्ती करते, कोई चीज नहीं आती तो उसमें इतना डांटने का होता है। अभिजीत की मम्मी बहुत डांटते हैं, मैं उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी, फंस गई मैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे आपके पास आना है मम्मी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, आप लेके जाओ यहाँ से।
शीला जल्दी कर, लेट हो जाएगा। पहन लूंगी, वैसे मत देखो मुझे। हेलो गाइस, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे एपिसोड्स के बारे में। ये हफ्ता जो है वो एपिसोड्स अल्टरनेट डेज आएंगे, जैसे कि आज एपिसोड आया तो आज के बाद परसों आएगा। मैं अभी थोड़ा सा बाहर आया हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट है जो मुझे करना है, इसलिए आज मंडे है तो आज एपिसोड आने के बाद आएगा वेंसडे को और उसके बाद फ्राइडे को। अगले हफ्ते से फिर से हमारे नॉर्मल एपिसोड शुरू हो जाएंगे डेली के, बट इस हफ्ते के लिए सिर्फ ओनली अल्टरनेट डेज आएगा और अगले हफ्ते से फिर से हमारे नॉर्मल एपिसोड जो कि सोमवार से शुक्रवार आते थे वैसे आते रहेंगे। ऐसे एपिसोड्स को प्यार करती रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।